तो दोस्तों अभी मैडम को छोड़ के आने के बाद मैं चला जाता हूँ इधर नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि इधर बंगाली होटल में या फिर केरला होटल में ही लेना पड़ता है नाश्ता। थोड़ा अच्छा मिलता है, परोठा सब्जी मसाला डोसा इडली, हमारा साउथ इंडियन का बहुत सारा आइटम मिल जाता है। तो इसलिए मैं केरला होटल को जाता हूँ या फिर बंगाली होटल को जाता हूँ। आज देखेंगे क्या मन में आता है, देख के वो ले लेता हूँ। तो फिर ये होटल केरला की है, तो ये केरला होटल से मैं कुछ भी ले लूँगा बोल के सोच रहा हूँ। इधर कभी भी पार्किंग ही नहीं मिलती, फिर मैं साइड में ही रुका के तुरंत जाके आ जाता हूँ, इसलिए मैं साइड में रुका के निकल जाता हूँ। अभी होटल के अंदर जा रहा हूँ मैं। तो होटल के अंदर जाने के बाद मैं अगर क्राउड कम रहा तो वीडियो कंप्लीट ले सकता हूँ, क्राउड ज़्यादा रहा तो नहीं ले सकता। तो है इतना क्राउड रहा तो भी मुश्किल होता है वीडियो लेने में। फिर मैं ऑर्डर दे देता हूँ क्या है पूछ के, तो वो बोलते हैं बहुत सारा आइटम। तो फिर आज मन लग गया परोठा लेने में, फिर से परोठा ही ले लेता हूँ मैं। परोठा ऑर्डर करके पैसा दे देता हूँ, वो भाई केरला वाले ऑर्डर लिख लेते हैं मेरा, लिख के फिर पैसा उठा लेते हैं, उठा के उसके बाद में मेरा ऑर्डर दे देते हैं। तो परोठा लेके आ गया मैं, क्योंकि उधर भीड़ ज़्यादा थी तो वीडियो ले नहीं सका। फिर बाद में वो भी नाराज़ हो जाते हैं होटल में भी। तो ये हमारा परोठा, परोठा भी दिख रहा है। अभी मैं इसका सब्जी बाहर दूसरी जगह से ले लेता हूँ, क्योंकि इधर ही ये केरला की होटल है तो परोठा ले लेना पड़ता है। फिर घर के पास जाके अपनी रूम के पास उधर से सब्जी ले लेता हूँ, जो कुछ भी सब्जी है देखेंगे, देख के वो ले लेता हूँ। परोठे के साथ में मिर्ची वाला चना मसाला लेके आया हूँ, मिर्ची वाला देखो टेस्टी रहता है। तो अभी मैं आ भी गया रूम पे। देखो ये जो सूरज दिख रहा है, ये सुबह की गर्मी है, 9 साढ़े 9 बजे वाली है। अभी 9:30 बजे 44-43 पे चल रही है गर्मी, सुबह का वक्त है ये। अगर यही गर्मी दोपहर 12 बजे 1 बजे 3-4 बजे हो तो 48-50-52 बहुत हद नहीं रहती है। क्या पता सब जगह की गर्मी इधर आ गई होगी, सूर्य सब जगह नाराज होके इधर जम जाता होगा। देखो चलो अभी नाश्ता करेंगे पहले, फिर नाश्ते का भी टाइम होता है। शायद उधर दिखा नहीं होगा मिर्ची वाला आपको, ये देखो इसमें कितना मिर्ची है, दिख रहा मिर्ची ही मिर्ची है। इसके साथ में अंदर भी मिर्ची है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर है, अंदर भी है, बताता हूँ अंदर वाली भी आपको। तो दोस्तों अभी देखो मैं जो लाया हूँ परोठा और चना मसाला, चना मसाला और परोठा, आओ मेरे साथ में आप लोग भी नाश्ता करेंगे। ये देखो दोस्तों ये हमारा परोठा है, ये चना मसाला है। चना मसाला में भी मिर्ची देखो कितनी, देख सकते हैं आप सब, उसमें भी मिर्ची रहती है और वो अलग से भी मिर्ची रहती है। तो मिर्ची होती थी कि भी नहीं आती है इधर, तो इसलिए एक टाइम खाने में 2-3 मिर्ची तो आराम से चले जाती है। बस अभी खा के फिर वही लेट जाना है, सुबह में मैडम को ड्रॉप करके आओ, नाश्ता करो फिर लेट जाओ, फिर दोपहर में उठो खाना खाओ फिर जाके मैडम को लेके आओ। अगर बोनस वाली ड्यूटी है दहेज वाली तो जाके दहेज वाली ड्यूटी करके आओ, नहीं तो बस ख़त्म, वीडियो बनाते रहो, एडिटिंग करते रहो, सेट करते रहो। फिर मिलेंगे सो के उठने के बाद में। अभी मैं मैडम को पिकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज दिन भर में कुछ ड्यूटी लगी नहीं, तो आराम से सो के उठ के फिर उसके बाद में अभी मैडम को पिकअप करने जाना है मुझे। और देखो 2 बॉटल पानी उठा लेता हूँ, एक मेरे लिए एक मैडम के लिए। एक बॉटल ये पानी मैडम के लिए रख देता हूँ, एक मेरे लिए। तो अभी मुझे निकलना है, हमारी हवाई जहाज़ स्टार्ट कर लिया मैं। ये पानी रहा हमारा एक,
और एक मैडम के लिए भी रख दिया हूँ। तो धूप ज़्यादा है तो एक मैडम के लिए भी रख देता हूँ, कभी कभी पी लेते हैं, कभी वैसे ही छोड़ देते हैं अगर नहीं चाहिए तो। तो फिर मैं घर से निकल गया हूँ आज, दिन भर में कौन सी भी ड्यूटी नहीं लगी तो मैं भी आराम से सो के उठा। तो अभी मैं निकल गया हूँ मैडम को पिकअप करने के लिए। तो फिर मैं जाके पिकअप करके आ जाता हूँ, बाद में देखेंगे क्या कुछ ड्यूटी रहती है या नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये इधर का हैंगर स्टेशन बोल के, जो हमारे इंडिया में स्विगी जोमेटो है वैसे है ये डिलीवरी बॉय। तो इधर हैंगर स्टेशन से जाना जाते हैं, ये हर कोई इधर आता है। और इधर ये गाड़ी राइट साइड में कार खड़ चुकी है, तो इसके पीछे पानी का फ्रिज है, तो उसमें हर कोई पानी पीता है, आता है पानी पी के फ्रेश होके ठंडा पानी भर के फिर उधर से निकल जाता है। तो मैं ये आ गया मैडम को पिकअप करने के लिए। ये पूरी ऑफिस है ये, तो यहाँ से पिकअप करके निकल जाता हूँ मैं, ये ऑफिस है। देखो फ्रेंड्स, मैं मैडम को पिकअप करके ला के छोड़ दिया। तो रास्ते में मैं सुपरमार्केट को जाके ये जूस लेके आ गया। मैं रास्ते में सुपरमार्केट में रुक के ये चिया सीड्स लेके आ गया, जो इंडिया में चिया सीड्स भी बोलते हैं, सब्जा भी बोलते हैं, सब्जी के बीज भी बोलते हैं। तो ये इधर बसिल सीड्स ड्रिंक बोल को है नाम, देखो आप भी देख सकते हैं, विथ प्रोमोग्रेनेट फ्लावर। अरबी में देखा जाए तो शराब बदूर अल रहान मा नकहा अल रोमान। तो सब्जी का बीज और इसके साथ अनार दो भी मिला हुआ जूस है बोल के ये दिया है। तो ये मुझे पड़िया 5 रियाल का, इधर 5 रियाल का पड़िया। वही मैं इंडिया में देखूँ तो मुझे 110 रुपये पड़ता है। तो सऊदीया में ऐसे ही महंगापन है, कुछ भी कभी याद करके कुछ ले लिए तो हो जाता है। अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30-40 रुपये 50 रुपये में ख़त्म है, लेकिन इधर 1-2 डबल रहता है। टेस्ट देखेंगे, ठीक है, निकाल तो नहीं सकते, ठीक है, मसीहा अलग बिरयानी अलग।